हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद पैशन। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। टाइटल पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज सुपर इजी प्लांटर। मैंने ये चाय वाला कूलर लिया है और इस पर मैंने पहले रेड एक्रेलिक कलर कर लिया था और 2 पॉट्स मैंने इसमें किए थे। देन अब मैं ये येल्लो एक्रेलिक कलर से इस पर कुछ पैटर्न बनाया है इस टाइप का। ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है। देन ब्लू कलर से डॉट डॉट इसमें यूज़ किए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। बहुत ही सिंपल और क्यूट सा प्लांटर बन के ये तैयार होगा। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जो भी कलर्स यूज़ किए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें ब्लू डॉट सूखने के बाद मैंने इसमें पिंक कलर के डॉट्स लगाए हैं छोटे छोटे, जिससे ये एक फ्लावर का लुक ले रहा है। एंड इसके बाद मैंने इसमें लगाया है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट क्या है, छोटे से ही पॉट में सर्वाइव कर जाता है अच्छे से। मैंने इसमें जेड प्लांट यूज़ किया है। एंड सेकंड आइडिया की तरफ चलते हैं। ये एक प्लास्टिक डब्बा है जो अचार के आते हैं, जो नॉर्मली वो नीचे से मेरा इसका बेस ख़राब हो गया था, तो मैंने इसका नीचे का बेस कट किया है। और बेस कट करने के बाद मैंने इसमें जैसो का होममेड टच में अप्लाई किया है। वाल पुट्टी लेनी है आपको, 1 पार्ट वाल पुट्टी, 1 पार्ट ग्लू एंड वाटर। उसको थोड़ा सा हल्का सा थिक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा वाटर यूज़ करना है। तो ये होममेड जैसो तैयार हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने इसमें एक्रेलिक ऑरेंज कलर किया है। देन इसमें कुछ पेटल्स बना रहे हैं। ये सिंपल ब्रश के स्टॉक से आप इसमें फ्लावर के पेटल्स बनाएंगे। तो मैंने पहले रेड बनाए हैं, देन जस्ट उसके ऊपर मैंने वाइट किया है, उसके ऊपर फिर मैंने पिंक पेटल्स बनाए हैं और उसके बाद मैंने डॉट्स बनाए हैं ये येलो कलर के इसमें डॉट डॉट से। तो ये एक फ्लावर की शेप ले लेगा। पूरे में मैंने ऐसे ही किया है। उसके बाद मैंने फ्री हैंड से इसमें कुछ लीव्स बनाई हैं फ्लावर्स की। बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो। जिसको पेंटिंग नहीं आती है वो भी इसको इजीली कर सकता है। जस्ट ब्रश के स्टॉक से थोड़ा सा शेप देना है और बन गई लीव्स एंड पेटल्स, एक फ्लावर बन के तैयार। प्लांटर हो गया तैयार। और जो भी मैं ये प्लांटर्स बना रही हूँ, इन पे आप वार्निश करना मत भूलिएगा। जब ये सूख जाए तो वार्निश इन पे कर दीजिए। वार्निश के बाद एक ग्लोसी लुक आता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और क्या होता है, इसका लुक और निखर के आता है, थोड़ा शाइनी सा लुक देता है वार्निश करने के बाद। देन अब चलते हैं थर्ड आइडिया की तरफ। तो थर्ड आइडिया ये है, मैंने ये वैक्स कलर्स लिए हैं कुछ और इनको इस तरह से शार्पनर से छिल दिया है और इस तरह से ये इसका थोड़ा पैटर्न बन जाएगा। एंड इस तरह का ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है एक छोटा सा। इसमें मैंने पेस्ट ये वाल पुट्टी और ग्लू और पानी का पेस्ट टेक्सचर बनाया है मैंने थोड़ा सा थिक, और उसको लगा के मैंने इसके चारों तरफ वैक्स जो मैंने अभी किए थे वो मैंने वैक्स कलर हैं ये जो, ये मैंने इसको लगा दिया था चारों तरफ। एंड देन जो थिक पेस्ट बनाया था मैंने उसको इसमें डाल दिया है और उसके ऊपर से फिर से थोड़े से स्प्रेड कर दिए हैं। और ये मेरे पास एक डाटा केबल में आई थी, ये टेस्ट ट्यूब लाइक डाटा केबल आई थी मेरे पास इसमें। तो मैंने इसको, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है टेस्ट ट्यूब प्लांटर, तो मैंने वो इसको बनाया है। तो कैसा लगा ये आपको बताइएगा ज़रूर। मैंने सिर्फ देखा नहीं तो सोचा कुछ यूज़ किया जाए। तो काफ़ी ट्रेंड में भी है ये टेस्ट ट्यूब प्लांटर आजकल। और फोर्थ आइडिया में आप ये कुछ मैंने छोटे छोटे से बॉक्स पकड़े हैं, ये वार्निश का ही बॉक्स है और कुछ प्लास्टिक कंटेनर है ये। तो इन पे मैंने जस्ट येलो पेंट किया है, ये एनिमल पेंट किया है मैंने और डबल कोट इसमें किया है। उसके बाद मैंने मार्कर से कुछ इमोजी फेसेस बनाए हैं और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड बनाए हैं
सिंपल ड्रॉ कर देना है मार्कर से रूट को। और ऐसा ही एक ही प्लास्टिक कंटेनर है, ऐसा ही एक और मैंने बनाया है, उस पर मैंने जैसे अभी सेकंड वाले पे जैसो का टेक्सचर लगाया था वैसे ही मैंने उसमें डबल टेक्सचर लगा के बनाया है। तो एक ये हो गया छोटा सा, एक ये प्लास्टिक कंटेनर हो गया एंड एक ये वाला तीन बनाया है मैंने ऐसे। तो ये है जैसो जिसमें मैंने लगाया था, तो थोड़ा ये ठीक हो गया इसकी वजह से, तो ये अच्छा लग रहा है। और इसके बाद इस पर वार्निश करना मत भूलिएगा, जब आप फेस ड्रॉ कर देते हैं तो वार्निश करना मत भूलिएगा। देखिए वार्निश करने के बाद क्या ग्लोसी सा लुक आता है। टेक क्यूट से छोटे से प्लांटर बन के तैयार हो गए हैं। इमोजी फेसेस भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट में मैंने ये मिट्टी का एक पॉट लिया है और उस पर मैंने जो हम नॉर्मली दीवार पे पेंट करते हैं वही वाला पेंट है ये, वो मैंने इस पर किया है। और डबल कोट करने के बाद जब सूख गया तो मैंने इस पर कुछ दूसरे कलर से इस तरह का पैटर्न बनाया है। सिंपली कुछ भी पैटर्न आप बना सकते हैं, आपको भी लगे ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आपको बनाना है, मैंने भी बहुत सिंपल सा बनाया है। एंड देखिए ये सूखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें मैंने लगाई है अपनी तुलसी जी। इस पर वार्निश नहीं करनी है, ये वार्निश से ख़राब हो जाएगा। एंड ये है नेक्स्ट, ये जो करवा आते हैं हमारे पास, करवा या हुई में आते हैं ये मटके टाइप छोटे से, करवा बोलते हैं इनको। तो ये अगर आपके पास है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने ब्राउन एनिमल पेंट किया था पहले एंड इस पर मैं थोड़ी सी वर्ली आर्ट कर रही हूँ। तो बहुत इजी होती है ये, सिंपल कुछ स्टेप्स आपको यूज़ करना है एंड ईजीली आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। चलते हैं अपने लास्ट आइडिया की तरफ। ये एक प्लास्टिक पॉट है, इस पर भी मैंने ब्राउन एनिमल पेंट किया था एंड डबल कोट किया था। सूखने के बाद मैं इस पर ये एक्रेलिक कलर कर रही हूँ, कुछ इस तरह से इसमें पैचेस बनाने हैं। ये मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से कुछ पैचेस बनाने के बाद मैंने इसमें कुछ स्ट्रॉक रही हैं पिंक कलर से, तो जिस तरह से कुछ पैटर्न बनाया है इसमें। एंड आप कुछ भी करते हो तो जब पहले वाला सूख जाए तब इसमें सेकंड वर्क करना है, तो कुछ इस तरह से इसमें लीव्स बनानी है, फ्री हैंड लीव्स बनानी है। जिसको पेंटिंग नहीं आता है वो भी इसको बना सकता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है ये, बहुत ही ईजी होता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कहीं भी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी या फिर स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो
जब ये कंप्लीट हो जाए तो इन सारे प्लांटर्स को वार्निश करना मत भूलिएगा। वार्निश से इनकी लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है और एक निकल गया। ये देखिए, वार्निश करने के बाद क्या है, वाटर से भी जो कलर्स होते हैं निकलते नहीं हैं और इनकी लाइफ थोड़ा लॉन्ग हो जाती है। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। अगर आप बोर हो रहे हैं घर में तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये आपके घर को भी खूबसूरत बनाते हैं। तो देखते रहिए वीडियो और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और ऐसे ही नए आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और आज मेरी आवाज़ थोड़ा साफ़ नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ आप सबको, और मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं।